ब्रैकेट वाले होने चाहिए। ये तो पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, इन सच आइसोमर्स इधर सेंट्रल एटम और लिगेंड एक्सचेंज टेक्स प्लेस। अब देखो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे ना, एग्जाम्पल से करेंगे तभी ज्यादा हमें क्लियर होगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे पास ऐसा है कुछ CO H2O6 CR CN6, ठीक है। ये क्या बना दिया मैंने अपना, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। बोलो। हाँ। तुम देखोगे तो कोबाल्ट प्लस 3 में रहेगा, क्योंकि कोबाल्ट प्लस 3 में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है। कोबाल्ट प्लस 3 में है तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज भी प्लस 3 आएगा इस कैटायनिक पार्ट में, क्योंकि H2O पे तो कोई चार्ज नहीं होता। हाँ सर। अगर अगर मेरा कैटायनिक पार्ट पे ओवरऑल प्लस 3 का चार्ज आ गया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस 3 का। हाँ सर। जैसे NaCl होता है, Na प्लस है तो Cl माइनस है, वैसे ये प्लस 3 तो माइनस 3। अगर ये माइनस 3 हो गया तो क्रोमियम के ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस थ्री है ना। अब देखो हम लोग चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं ना, कैसे। अब इनके बहुत सारे हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाते हैं, लाइक CO H2O5 CN और इधर क्या आ जाएगा CR CN5H2O। हमने क्या किया, लिगेंड्स इधर उधर, एक एक इधर उधर, एक लिगेंड को एक्सचेंज किया तो एक बन गया। और हम लोग क्या करते हैं, दो लिगेंड को एक्सचेंज करते हैं, दो लिगेंड का एक्सचेंज करते हैं तो ऐसा बन गया। अब हम लोग क्या करें, तीन लिगेंड का एक्सचेंज करें। बट यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान रखना, जो तीन लिगेंड वाला होगा ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई बताओ, को बताओ कैसे नहीं करेगा, कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों नहीं करेगा। चार्ज ही दोनों पे सेम चार्ज आएगा ना, वो तो कैसे रहेगा, सेम चार्ज नहीं, चार्ज जीरो हो गया ना। अब देखो कोबाल्ट किसमें है, प्लस 3 में, CN की वजह से माइनस 3 आ गया क्योंकि 3 CN है, तो ओवरऑल चार्ज जीरो हो गया, इस पे भी जीरो। तो को बताओ कोई सॉल्ट ऐसा हो सकता है कि जिसमें कैटायन पर भी जीरो चार्ज हो, एनायन पर भी जीरो चार्ज हो, चार्ज तो होना ही चाहिए ना, बिना चार्ज के थोड़ी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब अगर मान लो मैं ऐसा उल्टा कर दूं तो उल्टा करने वाले केस में CR को हमें इधर लिखना पड़ेगा, क्यों, सॉरी CN4 है ना, CR को मैं इधर लिख रहा हूं तो मैंने उल्टा लिख दिया। हमें यहां पर H2O कितने 2, CN कितने 4, और ये कोबाल्ट H2O कितने 4, CN कितने 2। मैंने इस केस में ना क्रोमियम को उधर लिख दिया है, कोई बताएगा मुझे क्यों लिख दिया है, बताओ, आइसोमर बनाने के लिए क्या, क्या हुआ, बोलो बोलो। क्रोमियम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा और कोबाल्ट पे नेगेटिव, क्योंकि देखो हम लोग हमेशा जब लिखते हैं ना, हम लोग जब भी हमेशा लिखते हैं, यार मैंने कुछ तो उल्टा तो नहीं लिख दिया, मेरे को ऐसा लग रहा है। सेकंड भी सेम ही है। हाँ वही ना, कुछ कुछ उल्टा लिख दिया है ना, वही मेरे को ऐसा लगा देखने से। ऐसा लिखते हैं H2O4 CN2 H2O2 CN4, अब सही है, अभी ठीक है। हाँ सर अब ठीक है। देखो क्रोमियम को पहले इसलिए लिखा है क्योंकि क्रोमियम पर प्लस थ्री का चार्ज है हमेशा, कोबाल्ट पर प्लस 3 का चार्ज है, बट ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है यहाँ पर,
पहले वाले को प्लस वन प्लस वन और इस पर माइनस वन। तो देखो हमने क्रोमियम वाले को इसलिए पहले लिखा है क्योंकि हम हमेशा क्या करना चाहते हैं, हम हमेशा केटायन को पहले लिखना चाहते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं ना, इसलिए ऐसा लिखा है। सी आर एच टू ओ फाइव सी एन वन और ऐसा ही इधर लिख दो सी ओ एच टू ओ फाइव सॉरी एच टू ओ फाइव नहीं सिर्फ एच टू ओ और सी एन फाइव ऐसा होगा। मतलब देखो हमें ये मैंने क्या बनाने आइसोमर बनाने के मेथड तुम्हें बताए हैं कैसे लिगेंड्स को एक्सचेंज करके या फिर मेटल आयन को एक्सचेंज करके हम बना सकते हैं। और हमेशा ऐसे आइसोमर बनाओ जिसमें केटायन पहले लिखा हो एनायन बाद में लिखा हो और उन पर चार्ज होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो वाला तो मैंने बीच में कैंसिल कर दिया। समझ गए? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है ऊपर वाले आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर जीरो वाला केस है, जो जीरो वाला केस है उसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर जैसा गिन सकते हैं ना? वो कंपाउंड बनेगा ही नहीं। वो बनेगा ही नहीं। इसमें हम लोग लिख देते हैं ये इसके बारे में क्या ए डजंट एग्जिस्ट, ये है ना, ये बनेगा ही नहीं। तो क्या होगा? आइसोमर होगा ही नहीं ना, बनना भी तो चाहिए कुछ होने के लिए, ठीक है? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं फ्लो में एक्सचेंज करके बहुत सारे बना देते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? हाँ सर। चलो अब देखो अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट? अभी मैं कैसे डिफरेंट मेथड वो मैं बताता हूँ। जैसे केस वन में बताता हूँ, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के लिए हम लोग बात करें। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में दो ही केस पढ़ेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के लिए। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में तो कोई लफड़ा है ही नहीं क्योंकि उसमें तो एक ही तरह की स्ट्रक्चर होती है, कौन सी? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है? उसमें तो एक ही स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल। बट कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में अगेन फर्दर दो केस होंगे हमारे, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, एक स्क्वायर प्लेनर के लिए, ठीक है? तो अब इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक इसके लिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो हमें देखो हमारा पहला काम क्या होगा, अगर हमसे बोल दिया कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स है इसमें बताओ आइसोमेरिज्म कौन सा होगा कौन सा नहीं, तो हमारा पहला काम तो होगा हमें उसमें ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर फोर आ जाता है तो फिर हमें पहचानना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो फोर है, ठीक है, बट फोर में भी स्ट्रक्चर कौन सा है, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर? तो उसके लिए हमें सीएफटी आना चाहिए या वीबीटी आना चाहिए। तो हमारा पहला स्टेप तो है इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करो। स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के बाद तो बहुत ईजी हो जाएगा आइसोमेरिज्म बताना, ठीक है? तो अब इसमें देखो पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट तो हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो जी आई बिकॉज ऑल पोजिशन आर आइडेंटिकल। ये पहले पॉइंट क्लियर है? तुमने अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ लिया हो ऑर्गेनिक में तो हम बोलते हैं जी आई तभी होता है जब डिस्टेंस चेंज होती है, ऐसा होता है जी आई में पढ़ा है? हाँ सर। जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे तुम्हें नॉन प्लेनर तब ना ऐसा बताया गया होगा कि जैसे मान लो ये है ना, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट, अलग डिफरेंट है क्योंकि ये दोनों क्या है, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम प्लेन में, इसलिए अब इसमें ऐसा होता है ये ए है ये बी है, अब ये तो होता है एक वेज पे होता है एक डैश पे होता है क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्लेन में है, तो इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है, ऐसा तुम्हें बताया होगा। तो अगर डिस्टेंस सेम होता है तो जी आई शो नहीं करता है। तो टेट्राहेड्रल में ऐसा ही तो होता है, सब एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे ही तो है। जैसे मान लो ये मेटल एटम है हमारा, ठीक है, अब ये मेटल एटम है हमारा, इसके चारों तरफ टेट्राहेड्रल मैंने बनाया स्ट्रक्चर जैसे ए बी सी डी,
तो ए का बी से डिस्टेंस, ए का सी से डिस्टेंस और ए का डी से डिस्टेंस तो एक एक जैसा ही है ना, क्योंकि चारों पोजीशन आइडेंटिकल है। हाँ सर, यस सर। तो ये डिस्टेंस है वो सेम है, ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से, ऐसा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये वाला डिस्टेंस है, 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 ये सारे डिस्टेंस क्या है? सेम है, सेम है। ऑल डिस्टेंसेस आर आइडेंटिकल। तो इसलिए ये क्या नहीं शो करता, जीआई शो नहीं करता कभी भी। तो पहला पॉइंट हमारे क्लियर हो जाना चाहिए कि कभी भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आए तो हमें ये मान लेना है कि किसी भी कीमत पर वो जीआई तो शो नहीं करेगा। अब बात आती है ओआई की, तो इसमें बोलते हैं हम लोग। हेलो सर। हाँ बोलो। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज। तूने बोला है आवाज नहीं आ रही आपकी, तो फिर पड़ेगा कैसे मेरी आवाज नहीं आ रही? तो नहीं सर, वो मेरी माइक्रोफोन में आ नहीं रही थी उस समय, फिर माइक्रोफोन बदला है। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। ठीक है, अब देखो मैंने बोला है आगे, अब जीआई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, टेट्राहेड्रल कभी जीआई शो नहीं करेगा, बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, दे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओनली व्हेन ऑल फोर वैलेंसीज, ऑल फोर वैलेंसीज आर डिफरेंट of tetrahedral complex, मतलब no POS, no COS, मतलब POS COS नहीं होनी चाहिए तभी ये GI optical isomerism show करेगा, otherwise नहीं करेगा। मतलब जो चारों valencies हो हमारे tetrahedral complex की, वो क्या होनी चाहिए? Different होनी चाहिए। चारों valencies different होगी तभी तो chiral center बन पाएगा, पढ़ा है ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा तुम्हें ये नोटेशन का भी मैं एक बार आइडिया देता हूँ। तो देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें क्लियर हो जाना चाहिए कभी जीआई शो नहीं करेगा, ओआई तभी शो करेगा जब मेरा मेटल एज अ काइरल सेंटर काम करे, मतलब चारों वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो। क्लियर है इतना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, अच्छा अब मैंने एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं, क्योंकि हम लोग उस नोटेशन से ही काम करेंगे, शायद हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले भी पढ़ा हो। हमारा नोट का पॉइंट क्या है? नोट का पॉइंट है हमारा नोटेशन ऑफ लिगेंड, कि हम लिगेंड को है ना एक सिंबल से बताएंगे हमेशा, बार बार लिगेंड को लिखेंगे नहीं। जैसे जैसे मान लो हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड होता, तो मोनोडेंटेड लिगेंड को हम लोग कैसे शो करते हैं? लोग जाग जाग क्या, मोनोडेंटेड लिगेंड को कैसे शो करते हैं, नोटेशन क्या होता है? ऐसा स्मॉल अल्फाबेट से हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड को शो करेंगे हमेशा, हमेशा मोनोडेंटेड लिगेंड को स्मॉल अल्फाबेट से ही शो किया जाएगा, ठीक है? और जो बाइडेंटेड लिगेंड होगा, बस इतना ही है हमारे सिलेबस में, है ना, इससे आगे नहीं है, मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड। अब बाइडेंटेड में भी फर्दर दो केस है, क्या bidentate में क्या हो सकता है? With same donor atom या फिर different donor atom। अब कोई मुझे बोलेगा सर कैसे पता चलेगा? अरे देखो कैसे पता चलेगा, तुम्हें याद रखना है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने जब तुम्हें पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने तुम्हें बताए थे, देखो bidentate ligand तो मैंने उस टाइम पे, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखो मैंने पढ़ाया था तो मोनो, हाँ हाँ क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? कट रही है सर, अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। आपने कुछ बोला फिर कट गया वो। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आ रही है आवाज बराबर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाए थे टाइप ऑफ लिगेंड्स बेस्ड ऑन डेंटिसिटी, तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड तो ठीक है, बायडेंटेड लिगेंड में हमें पता होना चाहिए कौन से लिगेंड में सेम डोनर एटम होता है, कौन से लिगेंड में डोनर एटम सेम नहीं होता। लाइक जैसे ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन में देखो दोनों एटम, दोनों डोनर एटम सेम है, बायडेंटेड है, दोनों डोनर एटम सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बट ग्लाइसिनेट आयन में दोनों डोनर एटम अलग अलग है, कौन ऑक्सीजन है, एक में नाइट्रोजन है। ऐसे यूरिया में दोनों डोनर एटम सेम है,
ऐसे एसिटाइल एसिटेनेट आयन में देखें तो दोनों डोनर एटम सेम है, और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट में देखें तो दोनों डोनर एटम सेम है, नाइट्रोजन एथिलीन डाइन में डोनर एटम सेम है, प्रोपाइलीन में देखें डोनर एटम सेम है, डाइपाई या बाईपाई में देखें डोनर एटम सेम है, फिनेंथ्रोलीन में देखें डोनर एटम सेम है। तो देखो हमने जितने भी पढ़े उन सभी में मैक्सिमम में डोनर एटम सेम है, एक किसको छोड़कर, ग्लाइसिन क्या है, एक ग्लाइसिनेट आयन, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए किसमें डोनर एटम सेम है किसमें नहीं है। अब जो सेम डोनर एटम वाले होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको देखो या तो डबल ए से बता देंगे, या डबल बी से बता देंगे, या डबल सी से बता देंगे ऐसा, और जो डिफरेंट डोनर एटम वाले उनको ए बी से या सी डी से या डी डी नहीं EF से ऐसे बता देंगे, ठीक है। तो सेम डोनर एटम होगा तो ऐसा, डिफरेंट डोनर एटम होगा तो ऐसा। बाइडेंटेड लिगेंड को कैपिटल में लिख के बताया जाता है, मोनोडेंटेड को स्मॉल में लिखकर बताया जाता है। तो ये तो नोटेशन हो गया, तो हम थोड़ा सा लीक से हटके हमने बात करी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब अगेन वापस हम लोग आ जाते हैं हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पर। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मैंने क्या बोला, जीआई शो नहीं करेगा, ओआई शो करेगा, कब, जब चारों वैलेंसीज हमारी अलग अलग होगी। अब एग्जाम्पल बता दो, है ना, एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स में जितनी भी पॉसिबिलिटी है ना सारी में लिख दे रहा हूँ, है ना, सारी में एक एक करके लिख दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक लिखा एग्जाम्पल पहला वाला MA4, तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब चारों सेम मोनोडेंटेट लिगेंड है। मतलब MA4 का मतलब है मेटल एटम है, M A का मतलब है लिगेंड है, और A4 का मतलब चारों लिगेंड सेम है। ऐसे ही दूसरा मैंने लिखा MA3B, MA2B2, MA2BC, MABCD, ठीक है। तो देखो सिर्फ मोनोडेंटेड वाले एग्जाम्पल मेरे सारे हो गए, सिर्फ मोनोडेंटेड वाले, ठीक है। अब नया और जैसे 6 यहां से लिखता हूं ना, MAA2, इसका मतलब क्या है, AA बाइडेंटेड लिगेंड है मेटल एटम के पास, और मतलब दो मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसमें हमने बोला MAA2 का मतलब है कि एक मेटल एटम पर एक तो बाइडेंटेड लिगेंड है जिसके दोनों डोनर साइट सेम है, और एक मेरा सॉरी दो मेरे मोनोडेंटेड लिगेंड है जो दोनों ही सेम है। इसके अलावा मैंने जैसे मैंने लिखा MAA CD, इसको है ना A2 की बजाय B2 लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, बस हमें पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है। या ऐसे लिख लो MAB C2, या ऐसे लिख लो MAB CD, इनके मतलब तो समझ आ रहे हैं ना, मतलब ही समझना है सर। तो हमारे को सेंस नहीं है पढ़ने का फिर, चलो ठीक है हो गया। अब देखो पहले 5 केस थे जो सारे ही मोनोडेंटेड के थे, 6, 7, 8, 9 वाले केस है जो मिक्स है, मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड को मिक्स करके बनाए। अब मैं 3 केस और लेता हूं जो सिर्फ किसके होंगे, कंप्लीटली बाइडेंटेड, MAA whole twice, MAB2, MAB CD। अब बताओ इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या टेट्राहेड्रल में, मैंने जितनी पॉसिबिलिटी थी सारी बना दी, बनेगी इसके अलावा, नहीं लगता नहीं सर। देखो नहीं बनेगी, है ना, मैंने सारी बना दी। अब तुम्हारा काम क्या है मुझे बताओ, इनमें किस किस में OI होगा, क्योंकि GI तो किसी में भी नहीं है, OI किस में होगा ये बताना है, किस में नहीं होगा वो तो ठीक है, जिसमें है वो बता दो। ABCD में फिफ्थ वाला, नाइन्थ वाला होगा। मैं थोड़ा टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूँ, हाँ तुम सोच लो आराम से, इतना 12th में भी होगा शायद। इधर लिखा है मैंने ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, तो कितने लग रहे हैं तुमको टोटल 12 में से कितने ऑप्टिकली एक्टिव है, 3 लग रहे हैं। अच्छा देखो वाला है, नाइन्थ वाला है,
देखो है ना, मोनोडेंटेड वाले तो बड़े सिंपल है ना, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है। पहले वाले चार समझ आए क्यों नहीं है? क्योंकि चारों वैलेंसीज डिफरेंट नहीं है, है ना। ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ है, क्योंकि चारों वैलेंसी डिफरेंट है। अच्छा, सिक्स्थ वाला ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं, क्योंकि चारों वैलेंसी सेम नहीं है, दो वैलेंसी सेम है और दो अलग है बट वो सेम है। सेवंथ वाला ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, नहीं है, क्योंकि चारों वैलेंसी डिफरेंट नहीं है, इधर डबल ए आ रहा है तो ठीक है। एट्थ वाला ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, नहीं, क्योंकि वो C2 आ गया इसलिए। नाइन्थ वाला ऑप्टिकली एक्टिव है? हम बोलेंगे यस, चारों वैलेंसी डिफरेंट है, ए बी और स्मॉल वाले सी डी, तो हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ। टेंथ वाला? नहीं, नहीं, नहीं। इलेवन वाला? नहीं। अच्छा, इलेवन, इलेवन वाले को छोड़ दो, ट्वेल्थ वाला बताओ। ट्वेल्थ है, है। अब इलेवन वाले पर मैं स्टार मार्क कर दे, इलेवन वाला बच्चों को लगता है नहीं है बट है। अब कोई मुझे बताएगा इलेवन वाला क्यों है? इसमें कोई पीओएस नहीं है, कोई पीओएस सीओएस टाइप की चीज नहीं है। देखो तुम इसकी स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, तो इलेवन वाला है ना वैसा होगा, मेटल मान लो, ये ए और बी है, ये ए और बी है, इनको ऐसे ही तो बनाते हैं, बाइडेंटिटी लिगेंड को ऐसे ही शो करते हैं ना हम लोग। ए और बी के बीच में भी आपस में बॉन्ड है ना, क्योंकि वो बाइडेंटिटी है, बस ए और बी तो उनकी डोनेशन साइट है ऐसी। बीच में ऐसे लाइन बनाने का मतलब है इनके बीच में और भी दूसरे बहुत सारे एटम है जो आपस में कनेक्टेड होंगे, बट वो क्या है हमें नहीं पता। अब मुझे बताओ इसमें पीओएस सीओएस कुछ दिख रहा है तुम्हें? ये टेट्राहेड्रल की तरह अज्यूम करो इसको, लेकिन वैलेंसीज डिफरेंट का है। हमारी कंडीशन जो होती है ना, हमारी जो कंडीशन होती है कायरेलिटी की, वो तुमने अगर ध्यान से पढ़ी हो तो सिर्फ ये नहीं होती कि चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। हमारी कंडीशन जो अल्टीमेट कंडीशन होती है वो यही होती है कि पीओएस सीओएस और एएओएस नहीं होना चाहिए। सर वो पर सर ने बोला था अगर कायरेलिटी का तुम लोग को नाम आया तो बस इतना याद रखना की चारों डिफरेंट आइटम होते हैं। तो चारों डिफरेंट मतलब मेन उसमें पीओएस सीओएस ही होता है, चारों डिफरेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें पीओएस हो जाएगा, नहीं तो बात सुनो मेरी बात सुनो, नहीं वो दिखाना है मेरी बात सुनो तुम लोग, है ना। पहली चीज तो ये है कि कायरेलिटी रिस्पॉन्सिबल है क्या कि कायरल सेंटर होगा तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं सर, वो नहीं लिखा है। बस फिर हम ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें, हम कायरेलिटी वायरेलिटी के ऊपर नहीं जा रहे, हम तो ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें। हाँ तो ठीक है, ठीक है। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई मुझे बोल रहा है सर दिखाओ, अब यार मैं कैसे दिखाऊं, मतलब अब तुम्हारा वही है, तुम्हारा इमेजिनेशन पावर ही लगेगा यहाँ पर। सपोज करो ये तीनों तो एक ही प्लेन में है नीचे, है ना, ठीक है। इधर यहाँ पर ये ए है, इधर यहाँ पर ये बी है, ये प्लेन आप उसको टेट्राहेड्रल की तरह अज्यूम करो यार तुम, ऐसे तो फिर कैसे होगा अगर अज्यूम नहीं कर पाओगे तो। अब मुझे बताओ कौन से प्लेन से मैं इनको कट करूं कि मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ जाए। देखो एक प्लेन से अगर हम इनको किसी भी एक प्लेन में कट करते हैं ना, एक प्लेन से कट करते हैं तो दोनों में से एक ही चीज आ सकती है एक प्लेन में, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं आएगी नहीं कभी। हाँ सर, एक तरफ ए आएगा एक तरफ बी आएगा, क्योंकि है ना कभी इसके अंदर वो नहीं है, ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है ना, ये एक वो स्क्वायर प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है। और मैंने सारे इसलिए बताए हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि भाई हमें एक तो क्लियर हो गया एकदम कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जीआई नहीं है, ठीक है, ओआई है बट इसमें स्पेसिफिक केस है, बस चार ही केस ऐसे हैं जिसमें ओआई है, एम ए बी सी डी, एम ए बी सी डी, जिसमें एक बार ए बी स्मॉल वाले, एक बार ए बी कैपिटल वाले और एक एम ए बी सी डी जिसमें सारे ही कैपिटल वाले हैं और एक एम ए बी होल ट्वाइस। तो ये तो फिर क्वेश्चन आया तो उसमें लिगेंड को देख के, उसमें कॉम्प्लेक्स को देख के पहचान सकते हो ना किस टाइप का है, बोलो। हाँ सर। नेक्स्ट है हमारे पास बी। हाँ बोलो।
सर वो सेवेंथ वाला समझ में नहीं आ रहा, उसमें मतलब पीओएस कैसे नहीं है, सेवेंथ वाला लिखें पीओएस कैसे नहीं है क्योंकि ए ए है ना दो, तो अगर सी और डी वाले प्लेन से कट करोगे तो ए के दूसरी साइड में दूसरा ए आ जाएगा। हाँ 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 समझा। अब बी है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, हम लोग अभी तक है ना सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही बात कर रहे हैं। अब जैसे देखो, जैसे हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जी आई नहीं था, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या नहीं होगा? वाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब एटम प्लेनर है। हाँ, और क्योंकि पूरा पूरा जो ज्योमेट्री है वो प्लेनर है, और कोई भी प्लेनर ज्योमेट्री होती है उसमें हमेशा क्या होता है, पीओएस होता है। हाँ सर। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म because of the presence of POS। ठीक है, पहली चीज कि वो मेरा शो नहीं करेगा POS, क्यों? क्योंकि वो प्लेनर है। सेकंड, दे कैन शो GI, जो हमारा वो था ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल था वो GI शो नहीं कर रहा था, और जो स्क्वायर प्लेनर है वो OI शो नहीं कर रहा। अब GI कौन कौन शो करेगा, उसके लिए अगेन वापस से जो पहले 11 लिखे थे ना, 11 12 जो भी है वो वापस से लिख देता हूं मैं, ना अब वही वापस से लिख देता हूं मैं, एम ए फोर एम ए थ्री बी एम ए टू बी टू एम ए टू बी सी एम ए बी सी डी, पांच तो ये हो गए। फिर यहां पर 6 एम डबल ए बी टू एम डबल ए बी सी एम ए बी सी टू एम और कौन सा रह गया एम ए बी सी डी। ठीक है, अब और टाइप कौन सा है, एक टेंथ है हमारे पास, जब सारे ही क्या हो हमारे बायडेंटेड हो, एम ए ए होल ट्वाइस एम ए ए बी सी, अब कौन सा बच गया, एम ए बी सी हो गया, कुछ ज्यादा लिख दिया गया मैंने क्योंकि एक द एक्स्ट्रा आ गए, तो एम ए बी सी हो गया, एम ए बी टू होल ट्वाइस हो गया, 13 में लिख दो एम ए बी सी डी हो गया, तो वहां पर क्या नहीं लिखा, ये 11th वाला ABC वाला मिस हो गया, वहां पर कौन सा मिस हो गया था, 11th वाला जो यहाँ पर लिखा है एम ए ए बी सी, तो बात तो वही है, उसमें भी जी आई तो नहीं होगा, ओ सॉरी इसमें ऊपर ओ आई नहीं होगा, तो कोई बात नहीं। चलो अब देखो इसमें बात करते हैं हम लोग, है ना, ओ आई शो जी आई शो करेगा या नहीं करेगा एम, अब जी आई शो करने के लिए स्विस ट्रांस टाइप का दिखना चाहिए, है ना, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, है ना। तो देखो कैसे होगा, ये वाला जी आई शो नहीं करता, ये वाला जी आई शो नहीं करता, ये वाला जी आई शो करता है और इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, कैसे वो मैं बना के बताता हूँ तभी तुम्हें क्लियर होगा। अब स्क्वायर प्लेनर है तो ऐसे दिखेगा, बोलो। हाँ सर। देखो मैं तुम्हें ना एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर है ना वो वैसा सीन नहीं है सिस ट्रांस टाइप, वैसा वैसा मतलब, अभी रुको उसको मैं बाद में बताता हूँ, अभी मैंने बोल के गलती कर दी, ए ए बी बी है ना, और एक बनेगा ए ए बी बी, दोनों में डिफरेंस है। हाँ सर। एम ए टू बी टू है ना। अब देखो इसमें क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं जनरली मिस्टेक करते हैं ना, इसको ऑर्गेनिक से कंपेयर कर देते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ, यहाँ पर नीचे लिख रहा हूं और उसको मैं मिटा दूंगा बाद में। देखो ए ए बी बी, या तो चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, दोनों ही चीज क्या है, सेम है ना, इसमें दोनों ही चीज सेम है, क्यों, क्योंकि ये वाली पोजीशन
और ये वाली पोजीशन क्या है, सेम है, मतलब इस ए के रिस्पेक्ट में ये और ये पोजीशन सेम है, बट ये डायगनल वाली पोजीशन डिफरेंट है। बट ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता क्या? ऑर्गेनिक में ऐसा होता है क्या, इस एटम के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन और ये पोजीशन सेम है? नहीं होता ना ऑर्गेनिक में, क्योंकि ऑर्गेनिक में बीच में सी डबल बॉन्ड सी कार्बन ही चेंज हो गया है। तो इस चीज का ध्यान रखें, इस चीज का ध्यान रखें ऑर्गेनिक में और यहाँ पर, यहाँ पर बीच में बस एक मेटल है, वहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था। तो इस चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पर ये दो पोजीशन यहाँ पर आइडेंटिकल होती है बट ऑर्गेनिक में नहीं होती, समझे? हाँ, दोनों साइड में लेकिन एक ही ग्रुप आ गया ना, सेकंड वाला है। कौन से वाले, इसकी बात कर रहा है? हाँ सर, देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पर ए के ट्रांस में बी लिखा है, यहाँ पर भी ए के ट्रांस में बी लिखा है ना, तो यहाँ पर भी तो ए के ट्रांस में बी और ए के ट्रांस में बी ही लिखा है, ए ट्रांस बी। बट ऑर्गेनिक में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ए ए सॉरी जैसा ऊपर लिखा है वैसे ही लिखता हूँ ना, ए बी, ए बी और ये ए ए और ये बी बी, ये दोनों दोनों सेम है, ऑर्गेनिक में ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं सर, नहीं बोल सकता ना ऑर्गेनिक में ऐसा, बट यहाँ पर ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में सिर्फ एक एम है, वहां पर सी डबल बॉन्ड सी होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये बात क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर, हाँ सर, मतलब जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में क्या करते थे कि जो वो एक साइड पे दो ग्रुप अटैच रहते हैं कार्बन के, तो फिर उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नहीं करते ना कंसीडर, तो वैसे सर मैं उसका बोल रहा था कि मेटल एटम में वो एक साइड पे दो है और फिर दूसरे साइड में भी दो भी है वैसे। अभी रुको, यहाँ कहानी पूरी सुन लो, एक बार पूरी कहानी सुन लोगे फिर तुम्हें शायद हो सकता है क्लियर हो जाए। ठीक है, अब जैसे मान लो सेम ऐसा ही है, एम ए टू बी सी है, अब एम ए टू बी सी जी आई शो करेगा क्या? हम बोलेंगे हाँ करेगा। कितने आइसोमर बनेंगे? तो देखो अब आइसोमर बनाना तुम्हारे दिमाग की उपज है कि तुम कितना सोच सकते हो। तो देखो दिमाग की उपज कैसे चलानी है कि मुझे हमेशा है ना, हमेशा ऐसे सोचे कि मुझे ट्रांसफर रखना है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो मुझे देखो ए के ट्रांस में हमेशा एक बार बी रखना है, एक बार ए के ट्रांस में सी रखना है ना, हमेशा इसी तरह से सोचे कि एक बार ए के ट्रांस में बी रखूं, एक बार ए के ट्रांस में सी रखूं। अब एक चीज और बच गई क्या, अब कौन किसके ट्रांस पर नहीं आया? बी के सी, बी सी, हां बी के ट्रांस पर सी। अब कोई ट्रांस का कॉम्बिनेशन बचा है? सर ए के ट्रांस पे ए, लेकिन हाँ वो कवर हो गया, वो बी के ट्रांस में सी में कवर हो गया। नहीं नहीं नहीं, अच्छा हाँ एक और अच्छी बात बोली है कि ए के ट्रांस में ए एक और कॉम्बिनेशन बचा है ना, ये कवर होने वाली बात तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा ये ट्रांस वाले कवर हो गए, ए के ट्रांस में ए के ट्रांस में बी, ए के ट्रांस में सी, बी के ट्रांस में सी, सारी पॉसिबिलिटी आ गई। हाँ सर, अब है ना हम ऐसे ही लिखें, देखो अब इन पॉसिबिलिटीज को मैं मिटा दे रहा हूँ ना, चारों पॉसिबिलिटीज को, कि ऐसे सोचने का तरीका बताया मैंने कि कैसे हमें सोचना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है ना, मैं क्या करूं ए के ट्रांस में ए बना दूं, तो बचे हुए लोगों को तो मुझे ऐसे ही लगाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। हाँ सर, और ए के ट्रांस में मैं बी को लगा दूं तो बचे हुए लोगों को मुझे ऐसे ही लगाना पड़ेगा। अब देखो ए के ट्रांस में ए लगाए तो बी के ट्रांस में सी कवर हो गया। हाँ सर, ए के ट्रांस में बी लगाए तो ए के ट्रांस में सी कवर हो गया। हाँ सर, तो बस दो ही आए, बात खत्म खत्म। इसके अलावा अगर कोई मुझे बता सकता है कि या सर आपने ये पॉसिबिलिटी नहीं बनाई जो बन सकती थी, तो बता दो। सीज वाला पोजीशन के बारे में टेंशन नहीं लेना ना फिर सर। कौन सी टेंशन? मतलब आपने अभी सिर्फ ट्रांस के लिए बताया ना, मतलब हाँ हाँ ऐसा मैंने सोचने का मेथड बताया, हमेशा ऐसा ही सोचे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो अब इसमें बोलता हूँ मैं, तो इसमें देखो बनते हैं तीन। देखो अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा और हमें रिजल्ट याद होगा तो हम बस सीधा करके आगे चल देंगे। इसमें कुछ ऐसा लोड नहीं रहता कि यार ये करना है वो करना है। अब जैसे देखो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ए के ट्रांस में बी हो, ए के ट्रांस में सी हो, ए के ट्रांस में डी हो। अब क्या बच गया, कौन किसके ट्रांस में आना रह गया, बी के ट्रांस में सी और बी के ट्रांस में सी, बी के ट्रांस में हो गया, बी के ट्रांस में डी। अब सी के ट्रांस में डी आना रह गया,
अभी कुछ बच गया इसके अलावा? नहीं सर, है ना। अब बना बना के देखो, अब देखो पॉसिबिलिटी भाई कि यहाँ पे बना देता हूँ एम ए, ए के ट्रांस में बी रखो तो हमारी मजबूरी क्या है, किसके ट्रांस में किसको रखना पड़ेगा, सी के ट्रांस में डी को रखना पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा ना, वो तो लास्ट ऑप्शन है तो करना ही पड़ेगा। तो देखो हमने ए के ट्रांस में जब बी को लिया ना तो सी के ट्रांस में डी भी मेरा कवर हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या रखना है नेक्स्ट, ए के ट्रांस में क्या रखता हूँ सी, तो बचना क्या है बी के ट्रांस में डी को रखना ही पड़ेगा। यस सर। अब मैं ए के ट्रांस में क्या लेता हूँ डी, तो बी के ट्रांस में सी कवर हो गया ऑटोमेटिकली। हाँ सर। तो बस ऐसा ट्रांस वाला सोच के बनाओगे तो हमें याद भी रहेगा। देखो मेरा तो एक ही मतलब मेरा तो यही मानना है कि तुम डायरेक्ट याद रखो रिजल्ट, तो बहुत बढ़िया होगा। अब ये वाले पहले वाले, हाँ बोलो, सिस्टम बताने के लिए कोई एक ग्रुप तो सेम होना पड़ेगा ना, मतलब एक कोई लीगल सेम टाइप होना, ऑर्गेनिक में जैसे बोलते हैं हम लोग सिस्टम के लिए, क्या क्या सेम होना पड़ेगा, कोई एक ग्रुप तो सेम होना पड़ेगा ना जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग सिस्टम बता सकते हैं। ऊपर वाले में जैसे ए सेम है तो ए के रिस्पेक्ट में हम लोग सिस्टम बता रहे हैं, तो एक ग्रुप सेम होना जरूरी है ना, इसमें तो सब ग्रुप अलग अलग है। अरे तो भैया हम लोगों ने यहाँ पर एक मेथड बताया ना, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या सिस ट्रांस हमेशा वैलिड है ऑर्गेनिक में, नहीं, तभी तो हमने इजर नोमेनक्लेचर पढ़ा, तो जहाँ सिस ट्रांस नहीं आता क्या वहाँ जीआई नहीं होता क्या? हाँ हाँ समझा, समझ गया। हम तो बस ट्रांस की बात करें कि ए ट्रांस बी के नोटेशन का मतलब है ए से डायगनली 180 डिग्री पर ये ग्रुप हो। अब देखो सिक्स्थ वाले में है ना, सिक्स्थ वाले में हम कुछ भी मर्जी पड़े जो कर लें, सिक्स्थ वाले में कभी पोजीशन चेंज करके हम नया कुछ जनरेट नहीं कर सकते। कोई जनरेट कर सकता है तो बता दो, कोई कर सकता है जनरेट? कर सकते हैं पोजीशन चेंज करके कुछ, के इसके ट्रांस में वो ले आओ तो हम आग लगा देंगे, ऐसा कुछ होगा? नहीं होने वाला, नहीं होने वाला सर, है ना। और एक और चीज देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे अगर बाइडेंटेड लिगेंड आए तो ऐसे होते हैं ना बाइडेंटेड लिगेंड, तो या तो वो ये हो सकते हैं है ना, या वो ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं। अभी कोई ऐसा नहीं हो कि बस सर हम तो ऐसे भी कनेक्ट कर देंगे, ऐसा होगा कनेक्शन? नहीं सर, नहीं, ऐसे 180 डिग्री पर नहीं डोनेशन होगा कि एक बार मैं इस कोने से डोनेशन दे दूं एक बार उस कोने से डोनेशन दे दूं, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है कभी भी बाइडेंटेड लिगेंड में, ये बात को ना ध्यान रखें, तो ये नहीं देगा। ऐसा ही देखो और मैं देखो डायरेक्ट बता देता हूँ, इसमें नहीं होगा कुछ, इसमें नहीं होगा कुछ, इसमें नहीं होगा कुछ, है ना। अब देखो ये बीच में एक फंस गया एम ए बी सी डी, तो इसमें हो सकता है, हाँ हो सकता है। देखो कैसे, ये एम ए बी है तो एक बार सी डी ऐसे लगा दो और एक बार सी डी कैसे लगा दो, डी ऊपर सी नीचे। अब देखो इसमें एक बार ए के ट्रांस में डी था, अब इस बार ए के ट्रांस में क्या आ गया, सी आ गया, तो दो ही बनेंगे ना, बने ना, चेंज हुआ ना पोजीशन, बोलो। हाँ। तो हम बोलेंगे यस, हाँ ये दे सकता है कितने, दो। एम ए होल ट्वाइस तो कभी नहीं दे सकता क्योंकि ट्रांस करोगे तो भी वही वापस अगेन सेम ए ही हमें देखने को मिलेगा। अब ए होल ट्वाइस बी सी में क्या होगा, एक ही होगा शायद, नहीं होगा, अरे होगा ही नहीं ना, कैसे मैं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये नहीं होने वाली बात समझ आ रही है, कैसे नहीं होगा, डायगोनल वाला नहीं होगा, हाँ वो पोजीशन चेंज करके नहीं कर सकता। अच्छा एम ए बी होल ट्वाइस में हो सकता है, हाँ हो सकता है क्या, अरे हो सकता है ना, देखो कर दिया मैंने सर। अब देखो एक बार ए के ट्रांस पर बी है, एक बार ए के ट्रांस पर ए है, तो हम बोलेंगे हाँ हो सकता है, कितने होंगे, दो। सेम ऐसा ही एम ए बी सी डी में भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, कितने हो सकते हैं, बना के देखते हैं ना।
कितने हो सकते हैं बना के देखना पड़ेगा. देखो ए बी सी डी एम ए बी सी डी को डी सी लिख दो. अब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बच रही है? नहीं सर. इसके अलावा इसमें देखो ऐसा नहीं हो सकता जैसा उस ऊपर वाले में हो गया था कि हम लोग ए के ट्रांसपेट, ए के ट्रांसपे हम या तो सी को ला सकते हैं, ए के ट्रांसपे या डी को ला सकते हैं. ए के ट्रांसपे कभी बी आ सकता है क्या? नहीं सर. क्योंकि वो बाइडेंटेड लिगेंड है ना, ए के ट्रांसपे कभी बी नहीं आ सकता. बोलो. हाँ सर. बट ऊपर वाला जब एम ए बी सी डी था स्मॉल वाला, तब ए के ट्रांसफर बी आ सकता था. क्यों? मोनोडेंटल लिगेंड थे. तो अभी क्लियर हुआ जीआई का फंडा इसके अंदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में? सर वो 11th वाला मतलब रीजन क्या था? 11th वाला रीजन मैंने बना के बताया नहीं, मैं बना के बता देता हूँ. देखो अब तुम खुद सोचो, M था इधर, A रहेगा हमेशा, A ही रहेगा. अब इधर BC है, अब इस BC को घुमा के देखो A है, तो A के ट्रांसफर क्या आ रहा है? C. अब इस BC को घुमा के तुम C भी कर दोगे, तब तो A के ट्रांसफर इधर भी आ रहा है. तो क्या हुआ, इधर नीचे से तो A के ट्रांसफर C आ रहा है ना, तो बात तो वही रही. हां सर. चेंज नहीं हुआ ना कुछ, तो बस हमें चेंज होना चाहिए. अब देखो इसमें भी सेम, देखो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कुछ. कितने लोग हैं जो शो कर रहे हैं? 6 लोग हैं बस. 6 में से देखो सिर्फ एक एम ए बी सी डी है जो 3 शो कर रहा है, बाकी तो 2 कर रहे हैं. वो तुम बना बना के देख सकते हो, अगर तुमने समझा हुआ है अच्छे से तो तुम बना सकते हो. क्लियर है? हाँ सर. चलो अब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ये तो खत्म हो गया. क्या बोलते हैं? 6. अब हमारा कौन बच जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 खत्म हो गया. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमारा बचा. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो हमारा एक ही केस है. क्या? कौन सा? ऑक्टाहेड्रल वाला. ऑक्टाहेड्रल. तो हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. अच्छा इसमें तो देखो मैं बहुत ज्यादा कुछ बताता नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं बच्चों को बोलता हूँ एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, उस टेबल को टिप्स पे याद रख ले तो हमारा काम हो जाएगा. कैसे? उसके लिए मैं पहले स्टार्टिंग वाले कुछ कुछ एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद सीधा टेबल बनाएंगे. ठीक है, तो देखो हम लोग इसमें क्या लिखते हैं थ्योरी. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में शो जी आई एज वेल एज ओ आई. ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जी आई शो करेगा ओ आई शो करेगा, जैसा ऊपर वाले में थे कि हमें पता था स्क्वायर प्लेनर सिर्फ जी आई शो करते हैं, टेट्राहेड्रल सिर्फ ओ आई शो करते हैं. इसमें दोनों ही हो सकते हैं. ठीक है, अब देखो पहले तो हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं. क्या? जैसे मान लो मैंने एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया, जैसे मान लो यहाँ पर मेटल आइटम है, अब लिगेंड मेरे डोनेशन दे रहे हैं. इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. क्या ऐसा ही होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स? हाँ सर. अब इसमें देखो कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. पहली चीज क्या है? ऑल 6 पोजीशन आर आइडेंटिकल. 6 की 6 पोजीशन सेम है ना. दूसरी चीज, हमारे जो एंगल है LML वाला, लिगेंड मेटल लिगेंड एंगल कितना हो सकता है? या तो 90 डिग्री हो सकता है या फिर 180 डिग्री हो सकता है. यही बात है? बोलो सर. अब देखो हमें क्या करना है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनानी है लिगेंड की पोजीशन चेंज कर करके. पहले सारी पॉसिबिलिटीज बना दो, फिर चेक करो किसमें POS है या नहीं है, है ना. उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं. तो अब इसमें एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर हम लोग उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे. तो यहाँ पर मेरा पहला एग्जाम्पल है MA6. मैं देखो सारे नहीं लूंगा, मैं मुश्किल से तुम्हें 4-5 एग्जाम्पल समझाऊंगा बस. अब MA6 कैसा होगा, अब हमें सोचने का जरूरत नहीं है. कैसा बनेगा ये? ऐसा ऐसा ही तो बनेगा. हाँ सर. बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है POS CUS के अकॉर्डिंग?
ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, हर तरह से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बने? एक। ये एक अकेला ही है जो इसका आइसोमर है ना, यही है बस जो है। ठीक है, समझ आई बात? यस सर। सेकंड है हमारा MA5B। ऐसे बनाते जाएंगे हम लोग। MA5B में क्या होगा, एक जगह B रख दो तुम, अब वो किसी भी जगह रख सकते हो तुम लोग, क्यों? क्योंकि 6 की 6 पोजीशन आइडेंटिकल है। तो देखो हमने सोचा ऊपर रख दिया यहाँ पर भी। अब इसके अलावा और कहीं भी रख दोगे तो कोई नई स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि 6 की 6 पोजीशन मेरी आइडेंटिकल है। अब मुझे बताओ अज्यूम करके इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा? होगा है सर, पीओएस है ना, पीओएस। तो ऑप्टिकली क्या हो गया ये? इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ये भी। तो इसमें अगर हम लोग बोले टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे तो हम बोलेंगे वो 1 बनेंगे। ठीक है, थर्ड हमारे पास जैसे मान लो हमने लिखा MA4B2। अब MA4B2 में बनाओ, 2B हमें प्लेस करने हैं। तो देखो 2B को प्लेस करने के 2 मेथड है हमारे पास। क्या कैसे हैं 2 मेथड? एक ऊपर नीचे और ट्रांसवर्स। एक बार तो बी ऐसे रखूं कि बी और बी वाले लिगेंड के बीच में कितना एंगल हो? 90 डिग्री, और एक बार में 180 डिग्री। तो इस तरह के केस को हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर बी और बी 180 डिग्री पर है, मतलब ये क्या है? ट्रांस, और ये क्या है? सिस। अब मुझे बताओ दोनों में क्या हो रहा है? पॉस। दोनों में पीओएस है तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगी। हाँ, दोनों ऑप्टिकल ही नेगेटिव है। दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दोनों में पीओएस है। देखो पीओएस कैसे इस चीज को तुम अज्यूम कर पा रहे हो? हाँ सर, हम लोग बोलेंगे बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि इनमें पीओएस है। ठीक है सर, पहले वाले में बी को भी इक्वेटोरियल बनाओ तो मतलब इजीली समझेगा उसमें पीओएस। अच्छा वैसा है क्या? तो कोई नहीं, इक्वेटोरियल एक्सियल वाली कोई बात नहीं होती। अगर हम लोग देखो इस प्लेन से कट करें जिसमें ये चारों लोग हैं तो पीओएस आ जाएगा, समझे? सर इसमें सीओएस कैसे है? मैंने तो बोला ही नहीं सीओएस है या नहीं। इसमें ए रहा, ऐसा करते हैं इसको भी मिटा देते हैं। बी रहा ए रहा, अभी ठीक है, अब समझ आ जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री को। हाँ, आपको बोला सीयूएस कैसे, तो क्या दोनों ही एब्सेंट होना जरूरी है ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए? एक भी एब्सेंट होगा तो काम चल जाएगा, एक भी एब्सेंट होगा तो काम चल। ठीक है ना, तो बस मैंने पीओएस की बात करी, सीओएस तो मैंने बोला ही नहीं, तो सीओएस है भी नहीं, एक में है एक में नहीं है। ठीक, चलो अब देखो इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं 2 नाम दे देता हूँ। तो हम लोग क्या बोलेंगे 1 और 2 में क्या रिलेशन है? फर्स्ट एंड सेकंड आर जीआई ऑफ ईच अदर। ठीक है, और अगर इसमें मैं टोटल स्टीरियो आइसोमर बोलूं तो कितने हैं? 2। ठीक है, समझे बात को? यस सर। फोर्थ वाला केस है ना, फोर्थ वाले केस को हम लोग स्टार मार्क करके पढ़ लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें वो मेरिडियनल और हमारा फेसियल आएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, MA3B3 में भी 2 ही केस बनते हैं। 2 ही केस कैसे बन रहे हैं वो मैं तुम्हें बना के बताता हूं ना कैसे। ऐसा होता है MA A A A B B B, और एक केस बनता है ऐसा ठीक है। अब देखो
क्या है इसमें दो ही केस कैसे बने? ये पहला वाला तो हम लोग बोलते हैं फेसियल। फेसियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मतलब लिगेंड मतलब एक ही साइड में मतलब एक ही फेस पर आ रहे हैं लिगेंड, है ना, सेंटर से पास नहीं हो रही फेस। और एक इसमें ऐसा होता है जिसमें फेस क्या होती है, सेंटर से पास होती है। कभी भी अगर फेस सेंटर से पास हो तो उसको मेरिडियोनल ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फेसियल आइसोमर और इसको बोलते हैं मेरिडियोनल आइसोमर। इसको बोलते हैं फेक आइसोमर और इसको बोलते हैं मर आइसोमर। दो ही बनेंगे, दो के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है बनाने की? है तो मुझे बता दो, दो के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी इनके बनाने की नहीं है। तुम बनाओगे तो घूम फिर के वो यही बन जाएंगे, है ना। अब देखो इसमें बात करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव की, तो मुझे बताओ दोनों में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है, जल्दी बोलो। पहले वाले में सीयूएस पीयूएस कुछ दिख रही है? पहला वाला ऑप्टिकल, पहला वाला ऑप्टिकल एक्टिव है और दूसरा वाला इनएक्टिव है। पहला वाला क्या है, एक्टिव? हाँ, पहला वाला क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अरे पहले वाले में देखो ना पीओएस दिखेगा, ऊपर से प्लेन लेके जाओ और बिल्कुल बीच से काटो तो देखो ए के साइड में ए और बी के साइड में बी दिखेगा। ये वाला प्लेन देखो ऊपर से काटो और यहां से निकलना चाहिए वो, तो देखो ए के इधर ए बी के इधर बी दिख रहा है, और ए और बी ऊपर नीचे वाले तो कट नहीं गए। हाँ हाँ सर समझा। हाँ ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले में प्लेन कहां से कट करना है, प्लेन ऊपर से लेके आओ और ऐसा करो जो स्क्वायर प्लेनर वाला प्लेन है ना उसको ही कट कर दो, स्क्वायर प्लेनर वाले प्लेन को ही कट कर दो ना, तो ऊपर नीचे बी भी आ जाएगा। हाँ सर। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बने हमारे, दो। तो देखो बार 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 हम लोग ऐसे बना बना के चेक करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं तो हमेशा बच्चों को यही बोलता हूं कि हम सारे डेटा को याद रख लें तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा, है ना। शायद जो लास्ट ईयर मेरे से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े होंगे, कोई ऐसा है जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरे से पढ़ा हो लास्ट ईयर? रजत ने पढ़ा होगा, इब्राहिम तो शायद बीच में कभी चला गया तो पता नहीं उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैंने भी पढ़ा था। तूने भी पढ़ा था? तो देखो उस टाइम भी मैं यही बोल रहा था कि हम लोग टेबल को याद कर ले तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब टेबल एक बार मैं बना देता हूँ, फिर टेबल को मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कैसे 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 होता है ना। तो टेबल क्या है हमारी, है ना, टेबल थोड़ी दिखने में कॉम्प्लेक्स है बट ठीक है, कॉम्प्लेक्स है तो कोई नहीं बट याद तो की जा सकती है। इधर कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, इधर लिखेंगे नंबर ऑफ जीआई फॉर्म्ड और इधर मैं लिखूंगा ऑप्टिकली एक्टिव पेयर्स, है ना। ध्यान रखें मैंने जो ऊपर लिखा है वो क्या है, नंबर ऑफ जीआई फॉर्म्ड और ये ऑप्टिकली एक्टिव पेयर्स लिखा है ना, ठीक है। अब पहले सिर्फ मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा था क्या, एम ए सिक्स एम ए फाइव बी एम ए फोर बी टू, बहुत ज्यादा ज्यादा दूर दूर हो गया ना, थोड़ा पास लिखते नहीं तो स्पेस नहीं बचेगा। एम ए फाइव बी एम ए फोर बी टू, इसी सीक्वेंस में याद रखें, एम ए फोर बी सी एम ए थ्री बी थ्री एम ए थ्री बी टू सी एम ए थ्री बी सी डी एम ए टू बी टू सी टू एम ए टू बी टू सी डी एम ए टू बी सी डी और एम ए बी सी डी ई एफ, लास्ट वाला जिसमें सारी लिगेंड अलग अलग है। अब देखो नंबर ऑफ जी आई फॉर्म्ड कितने हैं, अभी तक हमने देखो इसके देखे थे एक ही था, इसके देखे थे एक ही था, और एक हमने एम ए थ्री बी थ्री के देखे थे दो बन गए थे,
इसके अलावा हमने एम ए फोर बी टू सी के देखे थे, दो बन गए थे, यही देखे अब तक हमने चार एग्जाम्पल स्टार्टिंग वाले। हाँ सर ऐसे इसके देखोगे तो भी दो बन जाएंगे, इसके तुम देखोगे तो तीन, इसके देखोगे तो चार, इसके देखोगे तो पांच, इसके देखोगे तो छह, इसके देखोगे तो नाइन, इसके देखोगे तो 15। तो नंबर ऑफ जीआई कितने बन सकते हैं, जीआई का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हम कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं, अलग अलग पोजीशंस क्या क्या हो सकती है वो, तो अगर वो हमें याद रहेगी तो ठीक है। और ऑप्टिकली एक्टिव पेयर्स कितने, तो स्टार्टिंग के छह में तो सारे जीरो ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ठीक है, यहां तक देखो कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव पेयर नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव पेयर आना कहां से शुरू हुआ, यहां से 1 1 2 6 और 15। अब बात समझो मेरी, ये टेबल हमें एकदम याद होनी चाहिए। सपोज करो जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, एग्जांपल नंबर जिसको मैं नाम देता हूँ कौन सा वाला, ऊपर कौन सा हो गया था 4, फिफ्थ मैंने लिया, मैं किसकी बात करता हूँ, ये 4 वाला जिसमें एक ऑप्टिकली एक्टिव पेयर आ रहा है एम ए थ्री बी सी डी। अब हमें याद है कि हमें कितनी स्ट्रक्चर बनानी है, टोटल डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन रख के कितनी स्ट्रक्चर बन सकती है, कितनी स्ट्रक्चर बन सकती है बोलो, टेबल के अकॉर्डिंग कितनी स्ट्रक्चर बन सकती है एम ए थ्री बी सी डी, चार बन सकती है, चार सर। तो अगर हमें सिर्फ इतना भी याद है ना कि चार स्ट्रक्चर ही बन सकती है, तो मैं उतना ही सोचूंगा कि मेरे को चार स्ट्रक्चर बनानी है। तो चार स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ए के सामने ए रख दो, फिर ए के सामने इधर बी रख दो, सी के सामने डी रख दो, है ना। और क्या बन सकता है कि ए के सामने सी को रख दो, और ए के सामने है ना सी इधर रख दिया मैंने, ठीक है, तो ए यहाँ रख दो, डी यहाँ, डी यहाँ, बी यहाँ, ठीक है, ए के सामने बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। और बताओ और क्या पॉसिबिलिटी है, बी के सामने, बी के सामने सी रख दो, फिर बी के सामने सी रख दिया, और एक और बता दो कोई। सर वो आपने लास्ट टाइम मैंने को अच्छा तरीका बताया था ना, वो कुछ मतलब ए ए बी बी सी सी वैसे लिख के बी के सामने डी। देखो वो मेथड में इसलिए नहीं बता रहा है अभी क्योंकि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ टेबल याद कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लास्ट वाला मेथड मेरे को पता है, वो इजी रहे उससे, वो एक्चुअली मेरे ना एग्जाम में भी उससे हेल्प हुआ। हाँ कोई बात नहीं, वो लास्ट वाला वो मेथड देखो, चलो ये बोल रहा है वो वाला मेथड हम लोग कर लेते, शायद मैंने इनको पढ़ाया था ना वो, शायद वो मेथड मैंने इस साल ने किसी को भी नहीं बताया, मैंने बच्चों को यही बोला तुम टेबल याद करो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैं वो मेथड बताया तो बच्चे टेबल याद नहीं करते। फिर देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉम्बिनेशन बताएंगे, जैसे ए ए ए बी और सी डी, एक कॉम्बिनेशन तो ये बना, दो दो का कॉम्बिनेशन बना। और देखो ये कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि ए के ट्रांसफर कौन जा रहा है ए, ए के ट्रांसफर कौन जा रहा है बी, और ए के ट्रांसफर कौन जा रहा है सी, क्योंकि तीन पोजिशन है ना ट्रांस वाली, एक दो और तीन, ठीक है। अब मैंने एक कॉम्बिनेशन ये बनाया, अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, ए के ट्रांस में अब किसको ले जाऊं, सी को, ए के ट्रांस में सी को ले जाऊं, ए के ट्रांस में बी रहने दो, और एक यहाँ पे लिख दो ए के ट्रांस में डी, मतलब ए और सी इनको आपस में इंटरचेंज कर ले। अब मुझे देखो पता है मुझे चार ही बनाने, अब और क्या बना सकता हूँ, बी के ट्रांस में सी, बी और सी, बी के ट्रांस में सी, अब इधर ए के ट्रांस में डी और इधर ए के ट्रांस में ए, अच्छा और क्या पॉसिबिलिटी है, बी के ट्रांस में डी, बी के ट्रांस में डी, बी के ट्रांस में डी गया तो इधर क्या बना, बी और डी को एक्सचेंज किया तो इधर ए के ट्रांस में सी और इधर ए के ट्रांस में ए, यही हुआ, हाँ। बन गए चार। अब देखो मुझे याद होना चाहिए कि टेबल के अकॉर्डिंग वो चार ही है, तो मैं चार में ही सोचूंगा। अब स्ट्रक्चर बना के बताऊं क्या, हाँ सर। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, स्ट्रक्चर में इनके अकॉर्डिंग ही बना रहा हूं, है ना। अब देखो ऊपर वाली स्ट्रक्चर में ए के ट्रांस में ए, ये पहली स्ट्रक्चर को पहला में बना रहा हूं, ए के ट्रांस में ए, ए के ट्रांस में बी, सी के ट्रांस में डी, समझे, हाँ सर। अब दूसरी स्ट्रक्चर ए के ट्रांस में सी, ए के ट्रांस में बी, ए के ट्रांस में डी, ठीक है, हाँ सर। तीसरी स्ट्रक्चर ए के ट्रांस में ए, एक बी के ट्रांस में सी, ए के ट्रांस में डी। चौथी स्ट्रक्चर ए के ट्रांस में ए, बी के ट्रांस में डी, ए के ट्रांस में सी,
बन गई चारों स्ट्रक्चर। हाँ सर। अब देखो इसमें अगर मैं बोलूं तो ऑप्टिकली देखूं तो ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है। अच्छा ये वाला मेथड भी बताया होगा शायद मैंने लास्ट ईयर कि कैसे देखते हैं कौन ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव का मेथड, बताओ। एक में ए सेम हो जाएगा तो इनएक्टिव हाँ। हो जाएगा। अगर एक ब्रैकेट में जो दो लोग लिखे हैं वो दोनों सेम हो जाते हैं तो इनएक्टिव हो जाएगा, या फिर दो ब्रैकेट सेम हो जाते हैं तो भी इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब देखो ये इनएक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि एक ब्रैकेट में दो लोग सेम थे। ये इनएक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि एक ब्रैकेट में दो लोग सेम थे। ये इनएक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि एक ब्रैकेट में दो लोग सेम थे। बट अगर कभी दो ब्रैकेट भी सेम हो जाते हैं, लाइक कभी ऐसा हो जाए, देखो मैं लिख के वापस मिटा दूंगा, देखो कभी अगर ऐसा हो जाए ए सी ए बी ए बी, मतलब अगर दो ब्रैकेट सेम हो जाते हैं ना ऐसे कि ए बी ए बी ये तो सेम हो गया, तो भी हम लोग क्या बोल देंगे, इनएक्टिव है वो, इनएक्टिव है। ये तो देखो ट्रिक हुई बात। बट अगर फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता तो हम क्या देख सकते हैं, जो चारों स्ट्रक्चर बने उनमें क्या देखना है, पीओएस देखना है। आप देखो मैं पीओएस भी दिखा के बता देता हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, बस इसी एक एग्जांपल में बता रहा हूँ। देखो इसको इस प्लेन से कट करो, पीओएस है, यस सर, हाँ सर, ठीक है। अब इस दूसरा वाला तो क्या, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है दूसरा वाला, हाँ सर, ये तो एक्टिव है, क्या इसमें पीओएस दिख रही है, दिख रही है तो बता दो, दिख रही है क्या, नो सर। इसको इस प्लेन से कट करो, इसमें पीओएस है, हाँ है, इसको इस प्लेन से कट किया तो पीओएस आएगी, ये क्या अपोजिट में ये आ रहा है, हाँ सर। सेम इसको भी इस प्लेन से कट करो तो इसमें भी पीओएस आ रही है। तो देखो ऑप्टिकली एक्टिव है ये, मतलब इसका एक और मिरर इमेज बनेगा, हाँ, तो हम बोलेंगे यस, प्लस इसका एक मिरर इमेज और बना। तो देखो मैंने क्या बोला था कि चार तो इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो चार तो इसके कितने बन गए, नंबर ऑफ जीआई, प्लस मैंने लिखा ऑप्टिकली एक्टिव पेयर्स कितने लिखे, एक, एक, एक। तो वो ऑप्टिकली एक्टिव पेयर कौन सा है, एक तो ये एक्टिव प्लस एक इसका मिरर इमेज, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव पेयर आ गए, हाँ सर। तो अब देखो अब इसमें अगर मैं तुमसे पूछे कोई तो नंबर ऑफ जीआई कितने हुए, तो नंबर ऑफ जीआई कितने हुए, नंबर ऑफ जीआई फोर, अरे फोर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हुए, वो टू हुए, एक तो ये एक इसका मिरर इमेज, तो टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर कितने हुए, सिक्स, तो हमारे टोटल होंगे सिक्स। पर देखो मैंने टेबल में क्या लिखा है, टेबल में याद रखो ऊपर क्या लिखा है, ऑप्टिकली एक्टिव पेयर्स, पेयर है एक, ये पेयर की फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि डायरेक्ट इनको अगर तुम मैंने कुछ ज्यादा लिख दिया क्या, यहाँ पर कुछ ज्यादा हो गया भैया, टोटल स्टीरियो आइसोमर 5 है ना, ना कि 6, ठीक है, 6 कहां से हुए, 5 ही तो हुए, देखो ना 1 2 3 4 प्लस एक मिरर इमेज, 5 तो हुए, 5 हुए, ऑप्टिकली एक्टिव 2 हुए और जीआई हो गए 4, तो दोनों में एक जो ऑप्टिकली एक्टिव वाला था वो तो एक कॉमन था ना, इसलिए मैंने यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव पेयर्स की फॉर्म में लिखा है ताकि दोनों का सम कर दो तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल स्टीरियो आइसोमर टोटल आ जाएगा। तो ऊपर देखना टेबल में ऑप्टिकली एक्टिव पेयर्स लिखे, तो देखो हमारा अल्टीमेट गोल यही रहना चाहिए, हमें अगर ये टेबल डायरेक्टली याद है तो हम क्वेश्चन में बस ये फाइंड आउट कर ले कि वो कॉम्प्लेक्स इस टाइप का है और डायरेक्ट आंसर टिक करे। तो टेबल को ये समझ गए, टेबल किस तरह से बनाई है मैंने, हाँ सर, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग एक और टेबल बनाते हैं, टेबल का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, एक और टेबल बनाते हैं, इधर लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, इधर लिखेंगे नंबर ऑफ GI formed। इसके बाद क्लास है क्या तुम्हारा, राहुल सर का, हाँ सर, ऑप्टिकली एक्टिव पेयर्स है ना, इधर कॉम्प्लेक्स, इधर नंबर ऑफ GI formed, इधर ऑप्टिकली एक्टिव पेयर। अब मैं डायरेक्ट टेबल बनाऊंगा उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं,
तुम्हें डायरेक्ट टेबल याद रखनी है। अब देखो पहले तो हमारा था क्या, पहले सिर्फ मोनोडेंटेड था, बाइडेंटेड वाले केस भी लेते हैं। वैसे जनरली बाइडेंटेड में इतना पूछा नहीं जाता कभी भी कि बाइडेंटेड दे दिए और बहुत सारा ऐसा ऐसा दे दिए, नहीं पूछते लोग। फिर भी हमें तो याद होना चाहिए बी टू एम ए ए होल ट्वाइज सी डी एम ए ए फोर नहीं बी फोल्ड को बी फोर एम ए बी थ्री सी एम ए बी टू सी टू लिखेंगे तो सही हो रहा था। हाँ बी टू सी टू एम ए बी टू सी डी लास्ट क्या बन गया एम ए ए बी सी डी। अब देखो नंबर ऑफ जी आई फॉर्म कितने होते हैं 122 123 46 और ऑप्टिकली एक्टिव पेयर्स कितने 111 001 26। इस टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड करके दो और लिख देते हैं, बस ये टेबल याद कर लो। टेबल याद है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जीआई वीआई सबके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रुकने वाला तुम्हारा। एम ए बी होल ट्वाइस ए टू है ना, ये टेबल ये दो अलग रखे हैं थोड़े, इसलिए ना मैं बीच में एक लाइन खींच देता हूँ सेपरेशन की। इसमें टू और फाइव है, इसमें टू और थ्री है, ये बस याद रखे। क्लियर है इतना? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चलिए देखो डायरेक्ट टेबल याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। और मेरी मेरा एक सजेशन है कि जो पहला वाला टेबल है ना ये तो याद कर ही ले, दूसरे वाले टेबल से इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, मतलब याद होनी चाहिए वो भी, बट पहला वाला टेबल मस्ट है, ये तो याद होना ही होना चाहिए, समझे? बोलो। यस सर। चलो अब है ना एक दो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ तुम्हें ना, कल परसों ही देखे थे मैंने वो क्वेश्चन, अच्छे लगे मेरे को, मैं तुम्हें करवाता हूँ ना। कहाँ गया रुको ढूंढ लेता हूँ मैं क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन देखो आइसोमेरिज्म से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है देखो, सी ओ सी एल टू एन एच थ्री होल फोर प्लस, उसका रिएक्शन करवाया सी एल माइनस से है ना, तो हमारे को क्या मिला CO Cl3 NH3 होल थ्राइस प्लस अमोनिया अलग निकल गया ना, मतलब लिगेंड एक्सचेंज हो गया। इफ इन दिस रिएक्शन टू आइसोमर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर ऑब्टेंड, then true then ऐसा लिखते हैं then which is true for reactant है ना। ऑप्शन है अलग अलग हमारे पास, ऑप्शन ए क्या है compound is in cis form, बी है कंपाउंड इज इन ट्रांसफॉर्म, रिएक्टेंट के लिए बात हो रही है, कंपाउंड इज इन बोथ फॉर्म, और डी है हमारा एन ओ टी ए। बताओ कंपाउंड इज इन बोथ फॉर्म आएगा, बोथ फॉर्म आएगा। अच्छा श्योर हो तुम? फाइनल फाइनल वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहा है ना, फाइनली जो बन रहा है। मेरे को नहीं पता कुछ, क्वेश्चन इतना ही है बस।
हाँ सर ऑप्शन सी आ रहा है. कौन सा आ रहा है? ऑप्शन सी कंपाउंड इज ऑप्शन सी. एक 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 मिनट. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ये क्वेश्चन मैंने मतलब कल देखा पहली बार, ये किसी बच्चे ने पूछा मेरे से. सर ए आ रहा है. ए आ रहा है. कौन बोल रहे हो? सर मुतासिम. अच्छी बात है. ए देखो आंसर तो हमारा करेक्ट क्या है, ए ही करेक्ट है. अभी एक्सप्लेन करो कैसे है ए. सर जब सिस फॉर्म में होगा तो दो दो क्लोरीन एटम एक ही प्लेन में होंगे, तो उसका मतलब जब तीसरा वाला लगेगा वो उस प्लेन में भी लग सकता है, और वैसे भी एक तो फैक करके भी लग सकता है, मर करके भी लग सकता है, लेकिन बी में वैसा नहीं हो सकता. सही बात है. देखो मैं ना एक्सप्लेन करता हूँ ना तुम्हें. अब देखो जो मेरा रिएक्टेंट है ना वो किस टाइप का है, एम ए फोर बी टू, और जो प्रोडक्ट बना है वो किस टाइप का है, एम ए थ्री बी थ्री. ऐसा ही है? हाँ सर. अब इसने बोला है कि जो प्रोडक्ट बनता है उसके दो आइसोमर बनेंगे, वो तो हमें पता ही है दो ही बनेंगे क्योंकि एम ए थ्री बी थ्री है तो उसके दो आइसोमर बनने चाहिए. अब इसकी दो पॉसिबिलिटी होगी क्या? हाँ दो पॉसिबिलिटी होगी. क्या? कि या तो ए और ए सॉरी बी, या तो बी और बी क्या हो जाए ट्रांसफर चले जाए, या बी और बी क्या हो जाए सिस पर चले जाए, है ना? ऐसा ही होगा. सही लिखा है. एक बार बी और बी सिस पर है, एक बार ट्रांस पर है. हम चाहे तो इतना ज्यादा चेंजेस ना करते हुए एक ही चेंज करें क्या, एक बी को तो ठीक है यहीं रखे, एक बी को यहां लिख दिया है ए और ए. ठीक है, एक बार ट्रांस है एक बार सिस है. अब देखो जब एम ए थ्री बी थ्री बना है तो कोई एक बी किससे रिप्लेस हुआ होगा? ए से. ए से कोई एक बी ए से रिप्लेस हुआ होगा. ए बी से रिप्लेस हुआ. हाँ सॉरी सॉरी, कोई एक ए बी से रिप्लेस हुआ होगा क्योंकि एम ए थ्री बी थ्री बन रहे तो ए बी से रिप्लेस हुआ होगा. अब देखो यहां पर क्या है कि पहले वाले में तो क्या है, चारों के चारों ए आइडेंटिकल है. लग रहे हैं आइडेंटिकल? पोजीशन चारों आइडेंटिकल है, चारों के चारों ए. तो किसी भी एक ए को बी से रिप्लेस कर दो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सबके सब क्या है आइडेंटिकल है. चारों ए आइडेंटिकल नजर आ रहे हैं? हाँ सर. ये चारों ए क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, किसी के रिस्पेक्ट में कुछ अलग नहीं है. बट इधर देखो, इधर चार ए है तो इनमें क्या है, चार ए में डिफरेंस क्या है? अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं चार ए में डिफरेंस क्या है. जो ये दो है ना, ये दो ए, ये क्या है, सेम है. और ये जो ये वाले दो ए हैं वो क्या है, सेम है. कैसे? क्योंकि इन दोनों ए के ट्रांस में क्या है, हमेशा ए. और जो रेड वाले ए बनाए उनके ट्रांस पर हमेशा क्या है, बी. अब इनसे दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट हुई मेरी. कैसे? कि जब देखो अगर मैं इस वाले ए को बी से बदलता हूं, दोनों में से किसी को भी बदलता हूं, मान लो मैंने उधर वाले ए को बी से बदला तो ऐसा बना, और जब इधर वाले ए को बी से बदलता हूं तो दोनों में से किसी भी बी ए को बदलता हूं, मैं नीचे वाले बी को बदलता हूं किससे, ए से, सॉरी नीचे वाले ए को बी से, तो एक ऐसा बना. तो देखो एक बार तो हमारा देखो ऐसा आ रहा है, ये क्या है फेसियल, और ये क्या है मेरिडियोनल. बन गया ना दो, दो पोजीशन से दो टाइप के नए आइसोमर बनेंगे क्योंकि उसने बोला था प्रोडक्ट में दो बनने चाहिए. तो ये देखो ये फेसियल है क्योंकि एक फेस पर आ रहे हैं, सेंटर से पास हो रहा है, मेरिडियोनल है या नहीं? हाँ सर. तो बस हम बोलेंगे जब ये ट्रांस होता था तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी थी क्योंकि चारों के चारों ए आइडेंटिकल थे. बट अगर ये सिस होता था तो इसकी दो पॉसिबिलिटी थी क्योंकि दो चार ए दो टाइप के हैं. तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए, ए. समझे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा था? बट वो कैसे पता चलेगा कि सिस वाला है कि ट्रांस वाला? अरे भाई मेरे, वही तो समझाया मैंने इतनी देर से कि हमको कैसे पता चला कि वो सिस वाला है ट्रांस वाला, क्योंकि
जब ट्रांस वाला लेंगे तो ए को बी से रिप्लेस करने के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, मतलब एक ही आइसोमर बनेगा, बट उसने क्वेश्चन में बोला है कि प्रोडक्ट के दो आइसोमर है इसलिए उसको सी सुनना पड़ेगा। हाँ सर समझा, समझ में आई बात? हाँ सर। चलो अच्छी बात है, तो देखो फिर हम लोग, हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब है और इस वीक में लेक्चर है कितने? दो है, फ्राइडे को। आज इसके बाद डायरेक्ट फ्राइडे है लेक्चर हमारा। हाँ सर, हाँ सर। और आइनिक एलिमेंट्री का शीट तो मैंने पहले ही दे दिया था ना होमवर्क में तुम्हें। हाँ ठीक है, तो होमवर्क नेक्स्ट वाला होमवर्क क्या होगा हमारा? हमारा ये तो खत्म हो गया है ना, होमवर्क क्या होगा? देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में शीट सॉल्व करना बहुत जरूरी है, शीट सॉल्व नहीं करोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ नहीं आएगा। एक्सरसाइज वन, बोथ पार्ट सेक्शन ए बी सी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, पहले डिस्कशन करेंगे फिर चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा अपना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है सर, मतलब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों चालू कर रहे हो? क्योंकि मेरी इच्छा है और हमारा जो पैटर्न है वो भी यही है। ठीक है, ओके सर।